आज मैं अपने कमरे में ही ब्रेकफास्ट करूंगी। मुझे भी इस घर में खाने का शौक है। रमन पुत्र, गल तो सुन। चिंता ना कर पुत्र, मैंने तेनु इधर कुछ पूछने के लिए नहीं बुलाया है। मैं तुझसे कुछ नहीं पूछूंगी। अगर कोई गल ऐसी है जो तू नहीं बताना चाहती, तो जरूरत भी नहीं है बताने की। मैंने पता है कि जब तेरा दिल करेगा, तेनु ठीक लगेगा, तू आपे ही मैनु बता देगी। मैंने ते तेनु ये कहने के लिए इधर बुलाया है कि देख, पूरे परिवार को पता है कि कोई गल है और पूरा परिवार तुम दोनों के साथ है। हमें तुम दोनों के ऊपर बड़ा भरोसा है। बल्कि सच्ची गलती यह है इशिता, मैनू ते रमन से भी ज्यादा तेरे ऊपर भरोसा है। इसकी कोई चिंता नहीं, उधर कोई गलती नहीं। मम्मी जी, थैंक यू सो मच। कोई बात तो है मम्मी जी, पर मैं सच में अभी कुछ नहीं बता सकती। लेकिन एक बात है जो मुझे शेयर करनी है आपसे। बोल पुत्र। पीहू के बारे में। पीहू? वो पागल, उसको सिर्फ बुखार है। मम्मी जी, ये सिर्फ बुखार नहीं है। आपने देखा नहीं अभी वो कितनी बुरी तरह से कांप रही थी। वो डर डर के उठ रही है और जिस तरह से वो मुझे पकड़ लेती है, वो छोड़ने को ही तैयार नहीं होती मम्मी जी। और आपको पता है, वो बिस्तर गीला कर रही है रोज सोते समय। पर एक बार की बात नहीं, ये बार बार हो रहा है। पीहू पहले ऐसा कभी भी नहीं करती थी, अभी अचानक। मम्मी जी, जरूर उसके मन में कुछ तो है, तभी वो ऐसे बिहेव कर रही है। हाँ, मैंने याद है, आदि भी बचपन में। और हम तब उसे काउंसलर के पास लेकर गए थे। तो पीहू को क्यों नहीं काउंसलर के पास लेके जाती? मम्मी जी, मैं यही चाहती थी, मैं रमन से बात करना चाहती थी, पर वो। रमन नु छड़, मैनु पता है तू ओनू बना लेगी। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है गल है कि तू पीहू को काउंसलर के पास लेके जा। तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया? वो एक्चुअली अनन्या का फोन आया था, बोले थे कि तुम आजकल काफी टेंस रहती हो, किसी बात को लेकर काफी परेशान हो। वो भी मुझे बहुत परेशान लग रही थी। मैंने उसको वादा किया कि मैं पूछूंगा तुमसे कि क्या बात है। बस इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और इसीलिए कल रात को मैंने तुमको कॉल किया था। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। वो बस मैं काम को लेकर थोड़ी टेंस थी और मेरा एक फ्रेंड है जो काफी परेशान है, तो ऐसा कुछ नहीं है जिसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। पर हम क्या है सिमे की, हमारे बीच में अब तक काफी कुछ हुआ है। जिस समय मैं बीमार था, उस समय जो तुमने मेरे लिए किया है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। लेकिन अनन्या के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं कहीं से भी तुम्हारी परेशानी कम कर सकूँ, मैं कुछ भी कर सकूँ अगर अनन्या के लिए। मैं सिर्फ उसको परफेक्ट लाइफ देना चाहता हूँ। नहीं, एक सेकेंड, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं उसको परफेक्ट लाइफ नहीं दे रही हूँ? नहीं सिमी, डोंट टेक मी रॉन्ग। वो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तुमने अनन्या को बहुत अच्छे से रखा है, एक माँ का ही नहीं बल्कि एक बाप का भी प्यार दिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसके माँ बाप दोनों हैं और दोनों अगर उसको वही प्यार दे सकते हैं, अगर हम और तुम मिल करके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है परम, बिल्कुल नहीं हो सकता। परम, तुम अनन्या के पिता हो, लेकिन मेरे पति नहीं हो। और मैं तुम्हें सच बात बताऊं कि मैं तुम पे कभी भरोसा नहीं कर सकती परम। आई थिंक मैं मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रही हूं, मुझे निकलना चाहिए अब।